अस्सलामुअलैकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर टमाटर चिकन। तो चीज़ें आपको दिखा देते हैं। आपको चाहिए इसके लिए चिकन, ये अगर आप एक किलो का चिकन लेते हैं तो आप उसके 12 से 16 टुकड़े करवा सकते हैं। 16 ज़रा खूबसूरत लगते हैं डिश आउट हुए हुए, या फिर आप 12 भी करवा सकते हैं। बीच में जाएंगे टमाटोज, यानी कि ज़्यादा सारे टमाटरों का इस्तेमाल होगा, स्लाइस कर लें। गर्म मसाला पाउडर बीच में जाएगा, हल्दी यानी कि टर्मरिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी क्यूमिन सीड्स हैं और ये भी। इसका फ़र्क ये है, इसका कलर देख रहे हैं, इसको मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया, उसके बाद इसको दरदरा सा पीस लिया है। और ये साबत क्यूमिन सीड्स हैं, यानी कि जीरा, दोनों जीरे हैं, दैट्स ड्राई रोस्टेड, और ये साबत है। लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, बुलेट ग्रीन चिलीज, टेस्ट ज़्यादा, मिर्चें कम, और एंड में जाएगा इसमें हरा धनिया। आपको पता मैं फ्रोजन इस्तेमाल करती हूँ, एंड में निकालेंगे, तेल में बनाएं, घी में, आपकी मर्जी। आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। मैं इसे बना रही हूँ तेल में, तेल हो चुका है परफेक्टली गर्म, इसमें जा रहा है ये देख लें जीरा, गर्म तेल में जाते ही अपना जायका छोड़ देता है। बीच में जाएगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और इसी के साथ जाएंगे चिकन के पीसेस। हाई फ्लेम पर आपने इनको अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक ये अपना कलर चेंज कर दे। यहाँ पर आप देख लें फ्लेम हाई पर है बिल्कुल, और आपने क्या करना है कि देख लें चिकन का, सिर्फ आपने कलर चेंज होने का वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो मसाले हैं, ये चला गया नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, और बीच में जाएंगे तमाम टमाटर, और इसे अच्छी तरह पहले आप मिक्स कर लें। यहाँ पर देख लें अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। और देखें आपको यहाँ पे मैं टिप दे रही हूँ कि टमाटर जो होता है ये बहुत पानी छोड़ता है, आपको पता होगा इस चीज़ का, और प्लस आपको दोबारा याद भी दिला दी है। और बीच में चिकन जो है ये भी काफ़ी पानी छोड़ेगा। अब्रॉड में जैसा मैंने आपसे कहा चिकन काफ़ी हद तक पानी छोड़ता है, शायद पाकिस्तान इंडिया में आपको इशू हो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तो चिकन जो है ऑलरेडी पानी छोड़ रहा है। ये रहा टमाटर, और इसमें यहाँ पर हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, तकरीबन हाफ अ कप जितना पानी है, और ये डाल करके मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही इसमें जोश आएगा इसे आप रखेंगे मीडियम पर, रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक कि चिकन कुक हो जाए और जितना भी मसाला बनना और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। यहाँ पर आप देख लें तेल सरफेस पे आ चुका है, चिकन परफेक्टली कुक हो चुका है। अब आप यहाँ पर ऐड करेंगे जो आपकी हरी मिर्चें हैं, बिल्कुल थोड़ी सी छोड़ेंगे गार्निशिंग के लिए, ये देख लें क्योंकि गार्निशिंग भी ज़रा खूबसूरत लगती है। ये चला गया ज़ीरा, कौन सा वाला, क्रश्ड और रोस्टेड वाला, ठीक है, रोस्ट करके आप उसे क्रश कर लेते हैं। ये चला गया गरम मसाला बीच में, और हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह भून लेने के बाद ये रहा आपका टमाटर चिकन, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल अच्छे से मसाले हैं जो घर में आपके हमेशा होते हैं, ज़रूर ट्राई करें। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज cookwithfaiza.net पर, ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।